अयोध्या में बन रही है भव्य मस्जिद, भगवा रंग की कुरान, मक्का से आई पवित्र काली ईंट। जानिए अयोध्या में बनने वाली मस्जिद में और क्या होगा खास। राम मंदिर के उद्घाटन के साथ ही अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुका है। इसके बाद अयोध्या में बनने वाली भव्य मस्जिद भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही है। इस्लाम के सिद्धांतों पर 5 मीनार वाली मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद के निर्माण का शुभारंभ करने के लिए पवित्र ईंट अप्रैल में अयोध्या पहुंचने वाली है। इस ईंट पर सोने से पवित्र कुरान की आयतें लिखी होंगी। रामनगरी में बनने वाली मस्जिद में केसरिया रंग की कुरान भी रखी जाएगी, जो यहां आने वाले लोगों को देश की गंगा जमुनी संस्कृति की झलक दिखलाएगी। अयोध्या के धन्नीपुर में बाबरी मस्जिद के बदले आवंटित 5 एकड़ भूमि पर मस्जिद का निर्माण होगा। इसकी देखरेख के लिए उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से गठित ट्रस्ट इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन खास जिम्मेदारी निभा रहा है। इससे जुड़े पदाधिकारी ने खास इस काली मिट्टी की ईंट के बारे में जानकारी दी है। मस्जिद विकास समिति के प्रमुख और इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के सदस्य हाजी अराफत शेख ने मीडिया को लेकर इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मक्का से खास ईंट अयोध्या भेजी गई है, ये रास्ते में है और अप्रैल तक अयोध्या पहुंच जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि ये अल्लाह का काम है। इस काम का आगाज इस्लाम के सबसे पवित्र शहर से शुरू करने से बेहतर कुछ नहीं है, इसलिए हमने मक्का से ही अपनी यात्रा शुरू करने का फैसला किया है। अराफत शेख ने ये भी बताया कि हम महाराष्ट्र से ताजी पकी हुई ईंट मक्का लेकर गए। वहाँ उस ईंट को जमजम के पानी से गुस्ल यानी पूर्ण स्नान दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि हम ईंट को मदीना शरीफ भी ले गए और इसे इत्र के साथ एक और गुस्ल दिया गया। 2 फरवरी को ये खास ईंट को वापस महाराष्ट्र लाया गया, फिर इसे अजमेर शरीफ ले जाया जाएगा। इसी के बाद पवित्र ईंट को अयोध्या ले जाया जाएगा। इस ईंट का मक्का शरीफ और मदीना शरीफ में गुस्ल कराया गया है। इस पवित्र ईंट को मक्का शरीफ और मदीना शरीफ में पवित्र आब ए जमजम से और इत्र से गुस्ल देकर भारत लाया गया है। ईंट में सामने की ओर आयतें और चारों तरफ इस्लाम के नबी का नाम सोने से लिखा गया है। ये ईंट की बुनियाद किस तरीके से, कुरान की जो हदीस होती है कि मस्जिद कौन तामीर करता है, अल्लाह जिसको नवाजता है, अल्लाह जिसको हिदायत देता है उसको, वो दुआएं लिखी हुई है। या इस साइड में मस्जिद के ये साइड में आप देखेंगे तो इमाम हसन हुसैन का नबी के उनका नाम लिखा गया है, कुरान की आयत लिखी हुई है। ये सारी जो चीज़ें आपको देखने मिलेगी, ये अपने आप में एक अद्भुत चीज़ होगी कि इस ईंट की खास तौर पर ये 21 दिन तक के सारे उलमाओं ने इसके ऊपर दुआएं की, सारे पीरों ने इस पर दुआ करके ईतर से इसको गुसुल दिया गया है। ये ईंट की खास बात है। और ये ईंट गुसुल देते हुए अयोध्या के तरफ धनीपुर जाएगी और इंशाल्लाह ताला हमें यकीन है कि ये पहली न्यू हाजी अराफत शेख ने रखा है। ऐसे हज़ारों लोग साथ में जुड़ेंगे और इंशाल्लाह ताला इस ईंट के जरिए ऐसे कई लोग आएंगे और छोटे से छोटा आदमी इसके अंदर हिस्सा लेगा। एक रिक्शा वाला, टैक्सी वाला, टेम्पो वाला, ट्रक वाला, मटन की बेचने वाला, गरीब ठेला पे रहने वाला, हर कोई इसके अंदर होगा। बड़ा से बड़ा अमीर और छोटे से छोटा गरीब, हर कोई चाहेगा कि हमारी ये ऐतिहासिक मस्जिद जल्द से जल्द तैयार हो और हम इसके लिए पूरी तरीके से ताम को खुशबू से गुसुल दिया जाता है। हम इतर लगाते हैं, दरगाहों पे जाके इतर छिड़कते हैं, तो एक उसके उसी तरीके से ये एक अहम अद्भुत तोहफा है, अद्भुत चीज़ है। और ये हमने सुन्नी वक्फ बोर्ड को, फारूकी साहब को, हमने चेयरमैन साहब को ये वक्फ किए, अब ये इसकी मिल्कियत इनकी वक्फ बोर्ड की है। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के सदस्य हाजी अराफत का कहना है कि केसरिया रंग की कुरान भी लोगों के लिए रखी जाएगी। इसे खास तौर पर तैयार किया जाएगा, जो 21 फीट लंबी और दोनों ओर से 18-18 फीट खुलेगी। ये रंग केसरिया है, जिसको हम चिश्तिया कहते हैं। गरीब नवाज की पगड़ी का यही रंग था। दुनिया का सबसे बड़ा कुरान बनाने जा रहे, जो 21 फीट लंबा है और 18-18 फीट पे खुलेगा और वो केसरी रंग का होगा, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात होगी। तो ये कुरान बनने जा रहा है तो लोग कुरान देखने के लिए जरूर वहाँ पे पहुँचेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि हम अभी ये योजना बना रहे हैं कि ईंट को अयोध्या कैसे लाया जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसे पैदल ले जाएं, जिसमें 30 दिन लगेंगे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इसे सड़क मार्ग से या फिर ट्रेन से ले जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मौके पर हजारों लोग हमारे साथ होंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आप देखिएगा, ये ईंट जब अयोध्या पहुंचेगी तो जगह जगह इसका स्वागत होगा और इसके लिए दुआ होगी। इसमें हर फिरके के लोग शामिल होंगे। जिस दिन हम
फाउंडेशन रखेंगे, उस दिन से ही ऑफिस वहाँ बनाई जा रही, नमाज का इलाका बनाया जा रहा है, वहाँ नमाजें तो उसी दिन शुरू हो जाएगी, पर हम ये चाहेंगे कि पूरी चीज़ एक साथ जब बन जाएगी तो पूरी दुनिया से जब लोग आएंगे, हमारे हिंदुस्तान से सब बड़े बड़े आलिम आएंगे, तो देखने वाली चीज़ होगी और उसी दिन से लोगों को फैज़ हासिल होगा, दुआ और दवा का केंद्र बिंदु होगा, मस्जिद में दुआएं होगी और अस्पताल में इलाज होगा, अल्लाह उनकी दुआओं से डॉक्टरों के हाथों में अल्लाह शिफा देगा। आपको बता दें कि अयोध्या में राम जन्मभूमि का फैसला करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने धन्नीपुर गांव में मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन देने के लिए सरकार से कहा था, उस पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने एक समिति बनाई। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद में अस्पताल और शिक्षण केंद्र भी होगा, साथ ही 9,000 लोगों के नमाज पढ़ने की व्यवस्था होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज़ इंडिया।